नमस्कार, जय साई राम। मैं ब्रिज मंसूरी स्वागत कर रहा हूँ आपका आपके इस चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं धार्मिक पुस्तकें, ग्रंथ जो फट जाते हैं, या धार्मिक सामग्री जो हम अपने निवास पर इस्तेमाल करते हैं उसके साथ। कहीं आप ऐसा तो नहीं करते हैं? यदि करते हैं तो आपका पाठ पूजा निष्फल जा सकता है, आपको अभिशाप मिल सकता है, आपको पाप लग सकता है। मैंने देखा है बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि पाठ पूजा की सारी सामग्री किसी पॉलिथिन में भर लेते हैं, लिफाफे में भर लेते हैं। आपने पाठ किया, जाप किया, जोत जलाई, जब तक वह जोत अपने स्थान पर नहीं पहुंचती है तब तक आपका जाप, आपका पाठ उसी के साथ चल रहा होता है। मेरी बात को अच्छी तरह से समझ लीजिए। आपने जोत जलाई, जाप किया, अगरबत्ती जलाई, जाप किया, हार चढ़ाया परमात्मा को, जाप किया, आपका जाप उसके साथ चल रहा है। अब आपने क्या किया, एक लिफाफे में भरा, कहीं मंदिर के पास रख दिया। अब मंदिर वालों ने उस पर ध्यान दिया नहीं दिया आपको नहीं पता है, कुत्ता उठा कर ले गया, उसने बिखेर दिया, लोगों के पैरों के नीचे आ रहा है, उसका पाप आपको लगेगा। उससे आपने जो पाठ किया है उसका फल बहुत कम हो जाएगा। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, आपके दिमाग में होगा कि ऐसे में क्या करें। या तो उसको जल प्रवाह कीजिए या जमीन में दबा दीजिए। ये नहीं है कि आपका जाप हो गया, आपका पाठ हो गया, फेंक दो। जब आप ऐसा करेंगे तो वो किसी भी तरह से आपके लिए फलदायी नहीं हो सकता है, आपको लाभ नहीं दे सकता है।